सीएनसी वीएमसी मशीन की प्रोग्रामिंग सीखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सीएनसी गुरु महेंद्र वर्मा में। और मैं महेंद्र वर्मा हमेशा की तरह आज फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज मैं आप लोगों को एम कोड ऑफ वीएमसी मशीन के बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे साथ ही जो अभी तक मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क से नहीं जुड़े हैं, जैसे कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप और मेरा फेसबुक पेज, तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो हो तो सबसे पहले जानकारी आप लोगों तक पहुँच सके। तो दोस्तों, चलिए आज मैं आप लोगों को एम कोड के बारे में बताता हूँ कि वीएमसी मशीन के अंदर जो एम कोड होते हैं वो क्या होते हैं। तो दोस्तों, आज जो है वो हम लोग एम कोड ऑफ वीएमसी मशीन के बारे में बात करेंगे। और जो एम कोड होते हैं उनको मशीन फंक्शन कोड कहा जाता है, क्योंकि ये जो मशीन के जो फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, उनको जो है वो मूवमेंट करवाते हैं। जैसे आपका स्पिंडल रोटेशन है, टूल चेंज करना है, या टेलस्टॉक फॉरवर्ड एंड रिट्रैक्ट करना है ना, ऑटोमेटिकली डोर क्लोज एंड ओपन करना है, और कूलेंट ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ करना है। तो ये सब जो है वो मशीन के कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनको जो है वो ऑन करने के लिए और ऑफ़ करने के लिए एम कोड का यूज़ किया जाता है। मेनली जब हम लोग प्रोग्रामिंग की बात करें तो तीन कोड मिलकर जो एम कोड होते हैं ना, वो इसके साथ में जो है वो तीन कोड मिलकर के प्रोग्रामिंग बना सकते हैं। और इन तीनों कोडों का ही प्रोग्राम में होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहला कोड आता है आपका एड्रेस कोड, और उसके बाद आता है एम कोड, और तीसरे नंबर पे आता है आपका जी कोड। तो ये जो तीनों कोड होते हैं, ये तीनों मिलकर के जो है वो एक प्रोग्राम बनाते हैं, जिसके अंदर एड्रेस कोड की मैंने वीडियो बना चुका हूँ और एम कोड ऑफ सीएनसी टर्निंग का मैं बना चुका हूँ, लेकिन आज मैं जो है वो आपको वीएमसी के बताने वाला हूँ। और जी कोड के बारे में मैंने आपको बता चुका है टर्निंग के, और इसके बाद जो भी वीडियो आएगी तो मैं जो है जी कोड के बारे में आप लोगों को बताऊँगा वीएमसी के बारे में। तो ये जो तीनों कोड होती है, तीनों कमांड होती है, और तीनों कमांड मिलकर के ही जो है वो एक जो है वो प्रोग्राम बनाती है। इन तीनों कमांड्स का यूज़ किया जाता है। तो हम लोग जो है वो यूज़ करेंगे एम कोड का यूज़ जो है वो आपको करना बताऊंगा। एम कोड जो होते हैं वो मिसलिनियस कोड होते हैं, और एज पर मशीन जो है वो कुछ कोड जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जो मशीन को जो बनाते हैं, जो कंपनियाँ बनाती हैं, वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो जो कोड होते हैं उनको सेट करती हैं। जब आप मशीन पे वर्किंग करते हैं तो आपको पता होगा कि मशीन के ऊपर एक चार्ट लगा होता है, एक लगा होता है चार्ट, तो उसके ऊपर जो मशीन के जो पार्ट्स होते हैं उनके साथ में जो है वो एक विंडो लगी होती है, उसमें एम कोड कौन कौन से के ऊपर मशीन वर्किंग करने वाली होती है वो उसके अंदर लगा होता है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मेन जो जी कोड, जो एम कोड होते हैं वो कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले जो है एम कोड वीएमसी मशीन के अंदर हम लोग करने जा रहे हैं यूज़, उसका मतलब होता है एम जीरो। एम जीरो कोड जो है वो आपका किस लिए यूज़ किया जाता है? एम जीरो का यूज़ है प्रोग्राम को स्टॉप करना, प्रोग्राम स्टॉप। अगर आपको मशीन के अंदर अगर आपको प्रोग्राम को कहीं स्टॉप करना है तो आपका जो मशीन है उसका जो प्रोग्राम है वो आपका रुक जाएगा, उसका जो मूवमेंट है वो रुक जाएगा वहीं के ऊपर जहाँ पर एम जीरो का कोड आएगा, वहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका मशीन का जो प्रोग्राम है वो रुक जाएगा। तो प्रोग्राम को, चलते प्रोग्राम को अगर आपको बीच में कहीं रोकना है तो एम जीरो कोड का उपयोग जो है हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट कोड आता है वो है आपका एम जीरो वन। एम जीरो वन कोड का मतलब होता है ऑप्शनल स्टॉप, ऑप्शनल स्टॉप। मतलब इसका ये हुआ कि ऑप्शनल है ये, और एक टूल वर्किंग करने के बाद में अगर आप नेक्स्ट आने वाले टूल को रोकना चाहते हैं तो आप M01 का कोड लगा करके नेक्स्ट आने वाले टूल को जो है वो रोक सकते हैं। जहां पर एक टूल का प्रोग्राम पूरा होता है उसके जस्ट बाद में आप लोगों को जो है वो M01 का कोड लगाना होगा। ये जो प्रोसेस है CNC और VMC दोनों में ही यूज़ होता है। तो M01 का कोड आप यूज़ कर सकते हैं ऑप्शनल स्टॉप के लिए, मतलब नेक्स्ट आने वाले टूल को रोकने के लिए M01 कोड का उपयोग किया जाएगा। उसके बाद में M02 का यूज़ जो है वो किया जाता है एंड ऑफ प्रोग्राम, एंड ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उसको एंड करने के लिए M02 का उपयोग किया जाता है। कई मशीनें इसको M02 में भी रीड करती हैं और कुछ मशीनें इसको M30 में भी करती हैं, तो दोनों का मतलब लगभग बिल्कुल सेम है। M02 से भी प्रोग्राम जो है वो आपका स्टॉप होता है, मतलब पूरा कंप्लीट हो जाएगा प्रोग्राम, उसके लास्ट में जो है वो M02 आपको लगाना होगा, और M30 का भी यूज़ इसके अंदर करते हैं हम लोग।
उसके बाद में आपको यूज़ करने बताता हूँ M03 का यूज़ हम लोग करते हैं स्पिंडल रोटेशन एट क्लॉकवाइज, स्पिंडल रोटेशन एट क्लॉक वाइज CW, मतलब अगर आपका स्पिंडल क्लॉकवाइज रोटेशन में रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज मतलब इस प्रकार से, तो घड़ी की दिशा में, तो आपको कोड यूज़ करना होगा M03 का कोड जो है वो स्पिंडल रोटेशन एट क्लॉकवाइज में यूज़ करते हैं। और उसके साथ में M04 का यूज़ होता है स्पिंडल रोटेशन एट CCW, इसको हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज कहते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं। अगर आपका स्पिंडल की रोटेशन अगर इस प्रकार से हो, घड़ी की विपरीत दिशा में हो, तो आप जो है वो M04 का यूज़ जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद में मैं बात करता हूँ M05 का मतलब होता है स्पिंडल स्टॉप। स्पिंडल को अगर आप, जैसे मशीन का प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो गया है, तो स्पिंडल को अगर आप रोकना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जो है वो M05 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। M05 का जैसे ही कोड लगाएंगे, कमांड रीड करेगी मशीन, तो M05 में जो है वो आपका स्पिंडल जो है वो रुक जाएगा। उसके बाद में M06 का जो यूज़ होता है वो होता है आपका ऑटो टूल चेंज, ऑटोमेटिक टूल चेंज, ये VMC मशीन में यूज़ किया जाता है। ऑटोमेटिकली टूल को अगर आप चेंज करना चाहते हो, एक टूल का प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो गया, दूसरा टूल उसी प्रोग्राम में लग रहा है, मतलब एक टूल का ऑपरेशन कंप्लीट हुआ और दूसरा टूल अगर आ जाए कहीं पे, तो आपका जो है वो M06 का कोड लगाना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आपका टूल जो है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद में बात करता हूँ M07 का मतलब होता है कूलेंट ऑन, और कई मशीनों में M07 में कूलेंट ऑन होता है और कुछ मशीनों में जो है वो M08 में भी कूलेंट ऑन होता है। तो आपकी मशीन में जो भी मशीन में आपका जो भी कोड यूज़ हो रहा हो, M07 में नहीं हो रहा है तो M08 में होगा, अगर M08 में नहीं हो रहा है तो M07 में होगा। कूलेंट को ऑन करने के लिए आप M07 और 8 का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ M09 का यूज़ जो है हम लोग करते हैं मशीन के अंदर कूलेंट ऑफ करने के लिए। कूलेंट ऑफ हो जाएगा इसके अंदर अगर आप कूलेंट, जैसे आपका प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, स्टार्टिंग में आपको M07 लगाना है और लास्ट के अंदर आप जो है वो M09 लगा करके उस कूलेंट को ऑफ कर सकते हैं। M10 का यूज़ होता है फिक्चर क्लैंप के लिए। फिक्चर को अगर आप क्लैंप करना चाहते हैं, जॉब को होल्ड करना चाहते हैं, तो आपका जो है वो M10 में किया जाता है। किसी अदर मशीन में, किसी भी दूसरे कोड में भी किया जा सकता है, बट जो मेन है वो बता रहा हूँ आप लोगों को। M11 के अंदर आपका जो है वो फिक्चर एन क्लैंप हो जाएगा, डी क्लैंप जिसको कहते हैं। फिक्चर को डी क्लैंप करने के लिए आप जो है वो M11 का यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में आगे बात करते हैं M30 एंड ऑफ प्रोग्राम। तो जिस प्रकार से M02 यूज़ होता है, उसी प्रकार से प्रोग्राम को एंड करने के लिए M30 का उपयोग भी किया जाता है। M30 से भी हम लोग जो है वो प्रोग्राम को एंड कर सकते हैं। किसी किसी मशीन के अंदर M30 का यूज़ किया जाता है और किसी किसी मशीन के अंदर जो है वो M02 के अंदर जो है वो प्रोग्राम को एंड किया जाता है। उसके बाद में आपको बताता हूँ, जैसे डोर को क्लोज एंड ओपन करना हो, कईयों के अंदर, जैसे कई मशीनों में M42 का यूज़ किया जाता है डोर क्लोज के लिए। आपकी मशीन में कोई दूसरा कोड यूज़ हो सकता है, M43 के लिए आता है डोर ओपन, ठीक है। और उसके बाद में आपका जो आता है M98,
सब प्रोग्राम कॉल और M99 सब प्रोग्राम एंड। तो लगभग ये जो कोड है, इस प्रकार के कोड जो है वो मशीन के फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्रामिंग में यूज़ किए जाते हैं। जो भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो एक एम कोड की जो लिस्ट होती है वो मशीन के ऊपर लगा करके भेजते हैं, आपकी मशीन जो है वो उन्हीं एम कोड को रीड करती है। ये जो एम कोड होते हैं ये इसके पैरामीटर्स में सेट किए जाते हैं, ठीक है। ये एज पर मशीन कुछ चेंज हो जाते हैं, कुछ सेम रहते हैं। आपकी मशीन में अगर कुछ एम कोड अगर चेंज हो जाए तो ये मत सोचना कि मतलब यहाँ जो है वो कुछ अलग दिया गया, आपकी वो मशीन मैन्युफैक्चरर के अकॉर्डिंग जो है वो एम कोड की लिस्ट जो है वो दी जाती है, ठीक है। तो एम कोड, जी कोड और एड्रेसिंग कोड, तीनों कोड के द्वारा जो है हमारी मशीन की प्रोग्रामिंग जो है वो कंप्लीट होती है। आप लोग जब भी मशीन के ऊपर ऑपरेटिंग करें तो आपकी मशीन कौन कौन से एम कोड के अंदर वर्किंग कर रही है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।